जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग अनुपात समानुपात की क्लास में तीसरा क्लास को लेंगे। दोस्तों यदि आप पिछले दो क्लास को नहीं देखे हैं जरूर देख लें, बहुत ही आपको हेल्प करेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आइए आज क्लास शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न के साथ। देखिए दोस्त, प्रथम प्रश्न क्या है, 3a बराबर 4b बराबर 2c, तो बताइए a संबंधे b संबंधे c का मान क्या होगा। दोस्तों ठीक है दोस्त, ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे तो आप क्या करेंगे, देखिए इसे हल कैसे करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन होगा दोस्तों वो क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, इसको हल करेंगे यदि बेसिक से क्या पाएंगे, कैसे हल करेंगे दोस्तों, अधिक करेंगे बेसिक से तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग ऐसे हल करते हैं बेसिक से, 4b करते हैं बराबर 2c करते हैं दोस्तों। अगर ऐसे हल करेंगे आप तो इसको हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं k है। अब हम a का मान निकालते हैं दोस्तों, 3a को और k को लेकर के, तो क्या हो जाएगा, 3a बराबर k लोगे आप तो a बराबर क्या निकलेगा आपका, के बटा में 3 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही हम बी का मान निकालेंगे यहां से और इसको लेकर के, तो बी का मान क्या आएगा, के बटा में 4 आएगा दोस्तों। और सी के यदि मान निकालेंगे हम तो क्या आएगा, के बटा में 2 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, अब हमको निकालना है क्या है, अनुपात निकालना है, ए संबंधे बी संबंधे सी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर देंगे, मान को रख देंगे, ए का मान के है बटा में 3 है, संबंध करेंगे आप तो के बटा में बी का 4 आएगा और इसका आएगा के बटा में 2 आएगा दोस्तों। सब में के है, खत्म हो जाएगा अनुपात के नियम से, क्या बचेगा, 1 बटा में 3 बचेगा दोस्तों, संबंध है 1 बटा में 4 बचेगा और संबंध है 1 बटा में 2 बचेगा। ये फिर भी अनुपात तो हो चुका, लेकिन अनुपात जब पूर्णांक में होगा दोस्तों तो आपको उतना लाना होगा, कैसे करेंगे, जो नीचे होते हैं बटा में उन सबका लघुत्तम लेते हैं, उन सबका हम लघुत्तम लेते हैं, तो कितना लघुत्तम आएगा यहाँ पे, यहाँ लघुत्तम 12 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब 12 आएगा तो हम क्या करेंगे, ये जानते हैं कि किसी अनुपात में अगर हम सब में किसी से गुणा करते हैं तो मान में अंतर नहीं आता, तो हम लघुत्तम 12 पा गए और 12 से क्या करेंगे, पूरे भिन्न में पूरे अनुपात में हम गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब 12 का गुणा करेंगे हम पहले वाले भिन्न में तो क्या पाएंगे, ये कट जाएगा 12 है ना, यहाँ 12 आप करोगे तो 3 से कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ से मिलेगा 4 दोस्तों। यहाँ गुणा करेंगे हम 12 से तो 4 3 12 3 मिलेगा, और जब यहाँ गुणा आप करेंगे 12 से तो 6 मिलेगा दोस्तों। ये आपका अनुपात आ गया, और ये दोस्त बेसिक से है, ये किससे है आपका, तो ये है बेसिक से दोस्तों। अब देखिए ट्रिक का इसका लगा सकते हैं आप, जो आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको निकालना हो ए संबंधे बी संबंधे सी और दिया हो हमको ऐसे करके दोस्त, देखिए हम क्या करते हैं, जो जो दिया है, जो जो अंक दिया है 3, 4 और 2 दोस्तों, उन सबका लघुत्तम आप ले लीजिए जो कि 12 आएगा, और ये आप अपने मन में फास्ट गणना कर सकते हैं जो कि 12 लघुत्तम आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ए में हम क्या गुणा करें कि ये 12 हो जाए, 3 तो पहले ही से ही है, लघुत्तम सबका 12 आ चुका है, तो जो लघुत्तम आता है ना प्रत्येक को हम लघुत्तम के बराबर ही करना चाहते हैं, अर्थात लघुत्तम 12 आया हुआ है तो 3 में हम ए का मान क्या रखें कि 3 में गुणा करने पर 12 आ जाए, तो ए का मान 4 हो जाएगा दोस्तों। अब बी के यहां आते हैं तो बी के पास 4 है, तो 4 में बी की जगह क्या रखा जाए कि गुणा करने पर 12 आए, तो 4 तें 12 3 आएगा दोस्तों। और 2 है तो सी का मान क्या रखें, गुणा करने पर 12 आ जाए, तो 6 दुना के 12 दोस्तों 6 आएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है एक ही लाइन में हल हो गया आपका प्रश्न, तो ये आपका ट्रिक है जो आपको बहुत ही आगे कर देगा, आपको बहुत फास्ट कर देगा दोस्तों। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं, सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये देखिए ऐसे दिया हुआ है, भिन्न रूप में दिया है, तो हम कैसे इसको हल करेंगे, जब भी हल करना होगा तो हम क्या करेंगे, जब कोई अनुपात निकालना हो और वैल्यू दिया हो भिन्न के रूप में, तो हम क्या करते हैं,
सीधे मानते हैं, जिसके बटा में जो होता है अनुपात भी वही होता है। दोस्तों देखिए, ए के बटा में दो है तो दो हो जाएगा, बी के बटा में चार है तो बी का अनुपात हो जाएगा, सी के बटा में सात है तो वो सी का अनुपात हो जाएगा। दोस्तों तो ये बात ध्यान दीजिएगा, तो जब बटा के रूप में होगा तो उसको हम फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिसके बटा में जो रहेगा वह उसकी वैल्यू रहेगी, और जो जिसके बटा में रहेगा उसकी वैल्यू हम कर देंगे। तो जो बटा के रूप में रहेगा इसको हम फास्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपने देखा इसको हम कितना फास्ट और जल्दी कर सके। आइए देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट नंबर पहला, ये प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों आज का। देखिए प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं अनुपात पर, जैसा कि आप देख रहे हैं ए और बी के आय का अनुपात, इनके आय का अनुपात तीन संबंध चार है। यदि दोनों के आय में से 60 रुपया कम कर दिया जाए तो अनुपात दो संबंध तीन हो जाता है, तो ए और बी का आय क्या था? हाँ दोस्तों, दिया है यहाँ ए और यहाँ पे बी है। यदि हम पहला सवाल को हल करें तो इनका अनुपात दिया है दोस्तों, अनुपात दिया है तीन संबंध चार। ठीक है दोस्तों, जब इनमें से 60 रुपया कम कर दिया गया, 60 रुपया कम कर दिया गया तो नया अनुपात क्या हो गया? नया अनुपात हो गया ए का दो हो गया और बी का हो गया तीन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्त अनुपात जो होता है वो दो, मैंने बताया था प्रथम वीडियो में आपको कि दो वस्तुओं, दो लोगों, दो आयों का या दो किसी भी वस्तु का तुलना होता है मात्र। मतलब कहने का ये कि ये किसी धन का किसी राशि का तीन गुना होगा तो ये क्या होगा उस राशि का चार गुना होगा। वो राशि क्या होगी वो कुछ भी हो सकती है, इसका जितना गुना 10 गुना 20 गुना 30 गुना, तो वही हाल इसका भी होगा उतना ही गुना। तो ये मात्र तुलना होता है दोस्तों, ये वास्तविक नहीं होती, ये मात्र दो राशियों में तुलना होता है। यही यहाँ पे किया गया है कि किसी ए और बी का जो आय का अनुपात है, किसी राशि का ये तीन गुना है और किसी का ये मतलब उसी राशि का चार गुना है। इनमें से दोनों में से कुछ कम किया गया, कितना कम किया गया 60 रुपया कम किया गया तो अनुपात नया हो गया। ये क्या हो गया? किसी राशि का दो गुना और किसी राशि उसी राशि का ये तीन गुना हो गया। तो राशि क्या थी दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, अब इसे लगाएंगे आप बेसिक्स तो कहलाएगा। देखिए कैसे लगा बेसिक्स से, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो बेसिक से करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले अनुपात को हम लोग किसी चर से गुणा करके मान लिया करते हैं। कितना ए को मान लेंगे हम 3x, कितना बी को मान लेंगे दोस्तों 4x। ठीक है दोस्त, ये धन हो गया, सच्चाई हो गई। ठीक है, अब क्या किया गया सेकेंड शर्त के अनुसार कि ए में से कम कर दिया गया तो नया ए कितना हो गया, तो नया ए हो गया 3x माइनस कितना 60 रुपया कम हो गया, ये धन हो गया। और जो बी का हुआ दोस्तों वो भी नया कितना हो गया, पर कितना था बी का 4x था, वो घट गया इतना 60 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो अब जो अनुपात हो गया कितना हुआ, तो ए डैश संबंध है बी डैश, ये कितना आया हुआ है, तो ए आया हुआ है, दिया हुआ है, देखिए दो संबंध है तीन दिया हुआ है दोस्तों। यहां देखते हैं हमारे इसको तो क्या हो जाएगा 3x अरे 60 अनुपाते 4x माइनस 60 बराबर दो संबंध है तीन दोस्तों। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे आप इसे हल करेंगे, जब इसे हल करेंगे तो लंबा होगा। देखिए दोस्तों मैं इसको यहां पे हल कर दे रहा हूं, देखिए तो आप जानते ही हैं क्या होता है कि जो अनुपात में जब बीच में बराबर हो तो जो अंदर वाला अनुपात होते हैं उनका आपस में गुणा होता है, अर्थात इसको ऐसे कर सकते हैं आप 2×4x-60 हो जाएगा दोस्तों, और बराबर हो जाता है जो बाहरी वाला अनुपात है उन्हें गुणा आपस में हो जाता है, अर्थात हो जाएगा 3×3x-60 दोस्तों। मैं भी कर रहा हूं बेसिक से, इसको हम अभी ट्रिक से करने वाले हैं, ध्यान से देखिए हो जाएगा दोस्तों ये 8x-120। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 3×9x-18x-180 हो जाएगा दोस्तों। इसको इधर ले घटाते हैं, इसको इधर लाते हैं दोस्तों, ये 120 हो जाएगा ऋण के रूप में, और इधर आएगा तो 180 धन के रूप में हो जाएगा दोस्तों, और बराबर इधर जाएगा घटेगा केवल एक्स बचेगा। कितना अंतर आया, धन में अंतर आएगा और 60 आएगा दोस्तों। मतलब जो हमारा ए का धन था वो कितना था, पर कितना था,
तो पहले 3a था दोस्तों, a बराबर कितना था 3a, सॉरी 3x, और कितना x का मान निकला है अभी अभी, 3 गुणे x का मान 60 रखे हैं आप, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो जाएगा 36, 18, 180। कितना a का धन था 180 था, कितना b का धन था दोस्तों, तो b का है 4x, मतलब 60 का चरगुना कितना हो जाएगा, 60 का चरगुना हो जाएगा 240। ठीक है दोस्तों, ये b का मान हो गया और ये a का मान, ध्यान दीजिए। ये हमने कैसे किया, तो ये हमने बेसिक से किया है। अब देखिए मैं ट्रिक से कर रहा हूं, इसको कैसे करेंगे ट्रिक से आप, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं ट्रिक से कर दे रहा हूं, आप बने रहेंगे। ये है आपका ट्रिक, देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, a का दिया हुआ धन लिख लिया, b का लिया हुआ धन लिख लिया, हम देख रहे हैं कि 4 था, अब कितना हो गया है 3 हो गया, 1 कम हो गया दोस्तों ना, और सेम यहां पर भी 1 कम हो रही है। प्रश्न कहा भी है कि कुछ कम किया गया है, जो भी कम किया गया है दोनों में से बराबर कम किया गया है, 60 और 60। यहां देख भी रहे हैं कि अनुपात में से जो कम हो रहा है और जो नया अनुपात बन रहा है वो भी क्या है, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, मतलब 1 बराबर कमी हो रही है दोस्तों। तो 1 बराबर कमी कितना हमारा आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, और कमी 1 नहीं कितना बल्कि दिया हुआ है, कमी जो दिया है, जो कमी हो रही है वो 60 की हो रही है। तो जो मेरा अनुपात माना गया, जो मैं अनुपात लिया हुआ हूं उसके हिसाब से 1 आ रहा है, तो अनुपात 1 नहीं तब होगा, कितना होगा, 60 गुना हो जाएगा दोस्त, क्योंकि रियलिटी में कितना हो रहा है, इस अनुपात का 60 गुना लिया जा रहा है। ठीक है, तो अंतर दे दिया था कि 60 का अंतर होना चाहिए, 60 कम हो रहा है, तो हमारा जो रियल है वो 60 आ रहा है, और जो अनुपात में है वो 1 आ रहा है, तो जो रियल का और अनुपात कितना गुना होगा, 60 गुना होगा। तो दोस्त हमने पता कर लिया कि ये वही राशि है जो अनुपात गुना होगा और हमारा मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको निकालना क्या है, निकालना है ए का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 4 नहीं बल्कि 60 गुना इसका हो जाएगा 6 चौको 24 240, और कितना ये होगा दोस्तों, तो एक हो जाएगा आपका 3 नहीं, ये 3 नहीं कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 नहीं होगा, ये कितना होगा, ये होगा गुणे 60, कितना हो जाएगा 36, 18, 180। देखिए आप कितना फास्ट कर गए दोस्त, ए का मान 180 आया था, यहाँ पर भी आया है, बी का मान 240 आया था, यहाँ पर आया है। तो आप देखिए हमने क्या किया, हमने केवल अनुपात का गुण को यूज कर दिया दोस्त, जो अनुपात का गुण होता है हमने उसको लगा दिया और सवाल लग गया तुरंत। ठीक है दोस्तों, ये सवाल देखते हैं नेक्स्ट, सवाल में नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, यहां पर भी वही सवाल है, आप इसे खुद कर सकते हैं, वीडियो को पुश करके आप सवाल को स्वयं हल कर लें, नथा मैं हल कर रहा हूं। आप देखिए दोस्त, इसे मैं टिक से ही हल कर दे रहा हूं, यहां दिया है ए संबंधे बी, अनुपात दिया है 1:2, इसमें वृद्धि की गई है दोस्त, और कितना वृद्धि किया गया है, जो भी किया गया हो 3:4 हो गया है दोस्त, यहाँ कितना अंतर हम देख रहे हैं 2, मतलब 2 में 2 जुड़ गया है, अनुपात के रूप में देखें तो यहाँ 4 हो गया, और यहाँ भी सेम वही हुआ है, 2 ही जोड़ा गया, और कह भी रहा है कि दोनों में 1 समान जोड़ा गया है, 150 150, और यहाँ सेम जोड़ा भी गया है 2 और 2, तो ये 2 नहीं जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है, सच्चाई में कहा जाए, वास्तविक में कहा जाए तो 150 जोड़ा गया है दोस्तों, कितना गुना इसके 75 गुना दोस्तों। इसका मतलब कि जो भी हम राशि अनुपात में लिया हुआ हूं सभी क्या होंगी, सभी का 75 गुना हमें करना होगा वास्तविक मान पता करने के लिए, क्योंकि अनुपात मान तुलना होता है, सच्चाई जो होती है किसी गुना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कर आए सवाल में, तो जोड़ने के बाद ए और बी का आया कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद अनुपात ये हो चुका है हमारा, तो जोड़ने के बाद धन क्या होगा, तो धन में यही निकालूंगा, और कितना गुना करना पड़ेगा इसको, हमको 75 गुना करना पड़ेगा दोस्त, कितना जाएगा, हो जाएगा 300। ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी 3 होगा नहीं, यहाँ क्या जाएगा 75 गुना हो जाएगा, कितना आएगा 3×5=15 जाएगा दोस्त, और 3×21 हो जाएगा 22। आपको इसका अनुपात निकल गया और आप ही समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में इसी अनुपात संपात को हम पढ़ने वाले हैं कुछ अन्य प्रश्नों के साथ दोस्तों, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों आपको किरण का प्रश्न सॉल्व करेंगे जो अनुपात और संपात का है दोस्तों, तो आप बने रहेंगे अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं दोस्त, धन्यवाद।